या ऐसा नहीं सर। Here we have to make very clear line of the dharma. Dharma talks about the moral education, morality, and law talks about right and duties and acts. ये दोनों अलग अलग boundary line हैं। इसको हम लोग mix नहीं करेंगे। पहले ब्रिटिशर्स ने मिक्स करके सारे लॉ ऐसे बनाए। That's why there is the confusion. In ancient time there was two important point. एक था शिक्षा, जो शिक्षा लेने वाले लोग थे उसको कहा जाता शिक्षार्थी, एंड अनदर वाज द विद्या, दे वर नोन एज विद्यार्थी। एनीवन कैन एक्सप्लेन इट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट? ओके, देयर वाज वन स्टोरी, यू ऑल नो दैट लॉर्ड मैकेले एजुकेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया हैज कोलैप्स ऑल ऑफ आवर ब्रिटिश सिस्टम। ये सबको मालूम है। When Lord Macaulay was in the British Parliament over there, so Parliament asked them कि Macaulay, you visited the India, now tell us कि how we can damage the education system of the India. तो Macaulay ने उसको सारी चीज़ें Parliament में explain किया। He said their main strength is the education system in India, and education system was related with their revenue collection also. एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही नहीं था। एजुकेशन सिस्टम वॉज प्रोवाइडिंग एजुकेशन, नॉलेज एंड रेवेन्यू सिस्टम, यही तो है हमारे देश में। अगर किसी कंट्री का रेवेन्यू सिस्टम ठीक है, पीस लॉज है, एंड वी हैव गुड एजुकेशन, वो दैट कंट्री विल डेवलप। तो लॉर्ड मैकेले ने कहा कि ब्रिटेन वी हैव ओनली 10 कन्वेंट स्कूल्स एंड दीज स्कूल्स आर मेड फॉर दोज। एक हमने एक बुक पढ़ी थी रिपब्लिक, प्लेटो ने लिखा था, वी हैव गॉट ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर। ये जो कन्वेंट स्कूल है वो हम लोग किस लिए बनाते हैं? बिकॉज देयर लाइफ स्टाइल इज डिफरेंट, दे बिलीव दैट वाइफ एंड हस्बैंड इज हैविंग देयर ओन लाइफ, बच्चे उसमें नहीं है, बच्चे हो तो उनको हम कई ऑप्शन हाउस में भेज दे कहीं और है। सो फॉर दिस टाइप्स ऑफ केसेस दे हैव स्टार्टेड कन्वेंट एजुकेशन। जब इंडिया की बात आई तो लॉर्ड मैकेले ने कहा कि नहीं, वहाँ एजुकेशन सिस्टम दूसरा है। Students used to get admission at the age of 5 years and they continued their education up to 25 years. Okay, अच्छा ठीक है, what are the subjects they have been teaching over there? Okay, बहुत सारे subjects हैं, astrophysics, chemistry, biology, surgery, political science, sociology, metallurgy, और भी बहुत सारे subjects, more than 50 subjects. Okay, is it necessary for one student to learn all the subjects over there? Well, no. This is the optional subject. Suppose one has selected that he or she will go for the surgery, तो ठीक है, a special university is already set up for that, and that student will take admission over there and they will complete their education in the surgery school. एक history में और बड़ी interesting बात है, जब हैदर अली के साथ लड़ाई हो रही थी तो उसमें ब्रिटिशर्स ऑफिसर था कर्नल कूट, अब उन्होंने नाम सुना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस लड़ाई में राजा ने उसकी नाक काट दी और नाक काट के छोड़ दिया। फिर वो व्यक्ति इंडियन सर्जरी के हिसाब से, उस समय हमारी सर्जरी इतनी स्ट्रांग थी कि बॉडी से फ्लैश निकाल के उसके नाक के ऊपर सर्जरी की, एंड वो उसका नाक एकदम ओरिजिनल जुड़ गया। कर्नल कूट वाज आल्सो देयर इन द पार्लियामेंट एंड ही गिव द प्रूफ के लोग गड़े नाक कट गया था, हमने सर्जरी कराई, अब एकदम ठीक। सो आई मीन टू से एंशियंट टाइम बिफोर ब्रिटिशर्स आवर एजुकेशन सिस्टम वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। वो क्यों स्ट्रॉन्ग था, वो क्या सिस्टम था, उसमें लीगल एजुकेशन कहाँ था, दैट विल बी सीन। शिक्षा, देयर एजुकेशन वॉज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। शिक्षा में आता था कि स्टूडेंट विल लर्न हाउ टू लिव लाइफ, बेसिकली इट्स लाइफ स्किल, जीवन में हमें क्या चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए, क्या हमें छोड़ देनी चाहिए, हम ईश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं, हाउ आवर लाइफ विल बी हैप्पी, ऑल दिस स्किल्स वेयर नॉट इन द शिक्षा। तो जितने स्टूडेंट होते थे पहले सब शिक्षार्थी होते थे, दे गॉट द बेसिक टीचिंग हियर, और उसके बाद तब उनको कहा जाता कि ठीक है, नाउ यू कम इन दिस फील्ड एंड यू चूज योर सब्जेक्ट एंड देन गो। उनका एजुकेशन सिस्टम और अच्छा। अभी आज के आदमी में थोड़ा उसको पैरेलल आज के साथ भी करता रहा, I was appointed in Air Force as a graduate instructor.
मेरा काम वहाँ पर क्या था कि नए नए जो एयरफोर्स के लोग आते थे उनको ट्रेन करना, तो हमने वहाँ देखा कि देयर एजुकेशन सिस्टम इज डिफरेंट। उन्होंने कहा कि डिसिप्लिन इज नंबर वन, उन्होंने डाला डिसिप्लिन, भाई डिसिप्लिन सबसे पहले जो वॉट कम्स इन द डिसिप्लिन, टाइम से चलना, टाइम से फील्ड में जाना, अपने ड्रेस को ठीक करना और अपने जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना, उनके ऑर्डर को फॉलो करना। आर्मी में कोई भी ऑर्डर रिफ्यूजल नहीं होता, चाहे वो ऑर्डर किसी भी तरह का हो। तो हमारे आर्मी में एजुकेशन का पहला बैकग्राउंड है डिसिप्लिन। आई आस्क्ड माय सीनियर ऑफिसर कि सर ये डिसिप्लिन में आप लगा देते हो, रोज़ सुबह 4 बजे सबको उठा के ड्रिल कराते हो, फिर शाम तक इनको दौड़ाते रहते हो, फिर 8-9 बजे लाइट ऑफ करोगे, फिर अनलिमिटेड, व्हाट इज दिस? तो आर्मी में कुछ ही नहीं रहा। उसने कहा मिस्टर यादव जस्ट सी, डिसिप्लिन धीरे धीरे हमारे रगों में आता है और जब एक बार डिसिप्लिन आ जाता है फिर लाइफ में किसी चीज़ की कमी चीज़ें नहीं होती। हमने इसको टेस्ट भी किया कि 1 महीना तक सुबह सुबह 4 बजे जगे, इसके बाद हमें अलार्म लगाने की जरूरत नहीं होती, 4 बजे अपना दिन में नींद नहीं आती। अभी हम लोग खाना खा ले और एसी के नीचे बैठ जाए तो हमें क्या होगा, छुट्टी आने लगे, नींद आने लगे। तो ये समय डाला, सेकेंड फ्रेम में डाला कि नाउ विल गिव द ट्रेनिंग अबाउट वेपन ग्रेड, अब हम वेपन का डील करेंगे। AK-47 है, लाइट मशीन गन है, हैवी मशीन गन है, रिवॉल्वर है, ये सारे। और इसको इन्होंने क्या किया, पहले इन सबको खोलने और लगाने की जरूरत लगाई। जैसे आर्मी का कोई भी वेपन्स क्या होता है कि सब फोल्डेड है, जुड़ा हुआ है, आप इसको खोल खाल के छोटे से ये में लेके जा सकते हो, ये सारा सिस्टम खोलना और उसको जोड़ना, इवन बड़े बड़े जो जीप होते हैं उसके भी खोल के पार्ट को बड़ा बड़ा जोड़ के, ये सारी ट्रेनिंग उन्होंने सीखी। लास्ट में उन्होंने सिखाया वार टेक्निक, एकदम लास्ट में जिसकी जिस चीज़ के लिए हम एडमिशन लेते हैं वहाँ वहाँ में मिली लास्ट में, और ये सब चीज़ें सारी कराई। अभी भी आगे में यही चीज़ें कहा जाता है कि बैटल फील्ड में हम जितना पसीना बहाएंगे लड़ाई में उतना कम घूमाना पड़ेगा, डिसिप्लिन इन और वर्क देने में मिलेगा। तो सेम वही चीज़ें थी, यहाँ पर शिक्षार्थी को पूरी चीज़ें सिखा रहे। दूसरा जब विद्या की बात आती थी तो ठीक है, दिस द ऑप्शन आप, और एक एक यूनिवर्सिटी एक एक सब्जेक्ट के लिए बना हुआ था, मिक्स इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट नहीं था। आप पुराने ज़माने की यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला और उदयपुरी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थे एंड देवर हैविंग डिफरेंट कोर्स सब्जेक्ट, लेकिन उसमें लीगल का धीरे धीरे चीज़ें कहाँ आ रही थी वो हम आगे देखेंगे। उसमें दिस इज द सिंपल एजुकेशन सिस्टम। और देखो इसको मैंने क्यों फिगर को दिया, एजुकेशन सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स ए टू वे इंट्रक्शन। मान लो एक टीचर खूब पढ़ा रहा हो, बच्चे उसके बाद तो सुन ही नहीं रहे, दिस एजुकेशन इज टोटली यूजलेस। यहाँ सिस्टम में क्या था, इवन टीचर इज स्पीकिंग एंड ऑल स्टूडेंट्स आर लिसनिंग वेरी केयर, दिस इज अ पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन जो हम लोग प्राचीन काल में शिक्षार्थी के समय में सीखते हैं। आज भी अगर हमारे गुरु सामने आ जाए तो वी टच द फीट ऑफ आवर गुरु, हमें सर नहीं आएगी उसमें, लेकिन आज के ज़माने में चीज़ें अलग हैं। ये हमारे ओल्ड समय में ये सिस्टम था। और एक चीज़ और थी, इवन टीचर गिव द क्लियर इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट देन एजुकेशन इज गुड। तो यहाँ दोनों चीज़ें हैं, लिसनिंग भी हो रही है, स्पीकिंग भी हो रही है, एवरी बॉडी इज वेरी केयरफुल एंड यू सी द सराउंडिंग एनवायरमेंट दैट इज ऑल्सो वेरी पीसफुल। ये भी बहुत जरूरी है एजुकेशन के, टीचर स्टूडेंट्स एंड द सराउंडिंग। The origin of legal education in India revolves around the Vedic era, whereby the concept of dharma was the source of the legal structure. Dharma ke alawa usme law mein aisa kuch nahi tha. But there was no trace of formal legal education. It was merely a self-learning process in the past of the kings or the rulers used by the teachers and the matters of their own notion of justice. Kyunki hum sabko malum tha ki ancient time mein kya tha, the monarchy system was there. King himself make the laws, he himself mission all the disputes and he himself give the decision. Ab it's a very debatable, ek debate ka subject hai ki whether that system was good
और अभी का सिस्टम ठीक है। बोथ द सिस्टम इज हैविंग मेरिट एंड डिमेरिट। पहले क्या था कि देयर वर वेरी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया उसके हाथ काट दिए तो उसको देख के लोग डरते थे कि चोरी नहीं करते, तो देयर वाज वेरी हार्ड पनिशमेंट फॉर देम। हम्मुरबी कोड ऑफ बेबीलोन सेज कि टीथ फॉर टीथ, हम्मुरबी ने सारे रूल्स तब तक तो सारे खुदवा के रखे, अगर किसी ने किसी की आँख फोड़ दी तो तुम भी उसके आँख फोड़ दो। बट नाउ इट इज द कंसेप्ट ऑफ पनिशमेंट इज डिफरेंट, वी आर हैविंग रिफॉर्मेशन इन द पनिशमेंट। आज हमारी क्या सोच है कि हम कैदियों को क्या करें, सुधारें, जेल में ले जाकर सुधारें और फिर उसको सुधार के बाद भेजें। आवर कंसेप्ट वॉज डिफरेंट, और उस समय क्या था कि नहीं, जिसने ये बहुत अपराध किया इसके हाथ पर काट लो, खत्म करो, आज काम हाँ, तो वो एक सिस्टम दूसरा था, ये सिस्टम दूसरा है। स्टिल देयर वाज़ द लीगल सिस्टम, है नहीं कुछ भी, अभी भी लीगल सिस्टम हमें दिख नहीं रहा, बट इन धर्मा देयर वाज़ द लीगल स्ट्रक्चर। क्योंकि क्या है कि लॉ बेसिकली रिलेट्स विद हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, लैंग्वेज, एवरी फील्ड इज रिलेटेड विद लॉ। लॉ बना ही इसलिए है कि सोसाइटी विल बी इन वेरी गुड कंडीशन, पीपल विल हैव वेरी पीसफुल लाइफ, लॉ विल रन इन वेरी स्मूथ कंडीशन, इसीलिए तो लॉ बना, अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ लॉ। लॉ इज रिलेटेड विद एवरीवन, लेकिन हम डायरेक्ट अगर हम बोले कि लॉ इज बेस्ड ऑन दिस दिस, नो, लॉ इज टचिंग ऑल द सब्जेक्ट्स बट इट्स इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर। बट देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ फॉर्मल लीगल एजुकेशन, इट वॉज मेरी सेल्फ लर्निंग प्रोसेस इन द पास्ट 13। देखो अभी हम आगे आएंगे, विल डिस्कस मुगल एम्पायर एंड देन ब्रिटिशर्स की हाउ लीगल सिस्टम वॉज गोइंग ऑन दैट टाइम, और फिर इंडिपेंडेंस के बाद में आज के सिस्टम की भी बात करेंगे। द बेस वेयर द ओरिजिनल सोर्स ऑफ लॉ एंड स्मृति अनाउंस द मैसेज ऑफ डेथ द स्मृति कार्स वेयर द ग्रेट जूरिस्ट। देखो उस समय की बात है, ये उस समय भी सारी चीज़ें थी। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया वॉज टू प्रोवाइड करेक्ट डायरेक्शन इन द वेरियस स्पीयर्स। और क्या था, मैन इज पोटेंशियली डिवाइन बट इज द विक्टिम्स ऑफ हिज इग्नोरेंस। ये चीज़ें अगर हम भागवत गीता में भी देखें तो भागवत गीता में एक बात आती है कि हम सब अपने प्रारब्ध से बंधे हुए, प्रारब्ध इज नॉट ए लॉ से नॉट ए लीगल स्ट्रक्चर, नथिंग टू डू विद द लीगल स्ट्रक्चर, बट इट गिव्स डायरेक्शन। प्रारब्ध का मतलब क्या है, वे हम जैसा कर्म करेंगे हमारे आने वाले जो नेक्स्ट जन्म होगा हम उसको उसी हिसाब से देंगे। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छी चीज़ें हमें प्राप्त होंगी, बुरा कर्म करेंगे तो जीवन से ये करेंगे। तो इट मेक्स ए मॉरल अवेयरनेस इन द सोसाइटी एंड इट वेरी हेल्पफुल टू स्टॉप क्राइम्स इन द सोसाइटी। है तो चीज़ें अलग अलग लेकिन ऑल हेल्प्स टू मेक द लीगल सिस्टम। इग्नोरेंस पैसेंस एंड इमोरल टेंडेंसी क्रिएटेड बाई हिज own past action karma, thus the goal of education as well as the Hindu religion is to overcome these weaknesses. Normally हम कहते हैं कि there is no place of ignorance in the law. आपने red light jump कर लिया, बाद में बोले मेरे को तो मालूम नहीं कि red light jump करने से fine लगता है, this cannot be tolerated. यहाँ भी अगर हम पीछे धर्म में भी देखें तो यही सारी चीज़ें आती है कि they focus on karma, your walk should be good. इस हिसाब से हमारे इनसे टाइम में भी सारी चीज़ें चल रही थी। अब एक और ये चीज़ें हैं लीगल एजुकेशन इन एनसे टाइम, ये एक तरह का ऐसा पिक्चर है, इट डिपिक्स दैट देयर वाज द सोशल लाइफ एज वेल एज देयर एजुकेशन। अब आज के स्कूल कॉलेज में क्या है, स्टूडेंट यूज टू कम फॉर एजुकेशन एंड देन आफ्टर एजुकेशन दे यूज टू गो होम। यहाँ क्या है, दे यूज टू स्टे इन द आश्रम गुरुकुल एंड दे यूज टू डू ऑल द वॉक्स टू लर्न हाउ टू लिव द लाइफ। अब उस जमाने में फ्रस्ट्रेशन, माइग्रेन ये सब नहीं होता, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, कोई सुसाइड नहीं करता था उस टाइम। क्यों कर क्यों नहीं करता था, इफ दे आर गेटिंग द बेसिक स्किल हाउ टू लिव द लाइफ, वो हमारे एजुकेशन में आज कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता। इफ योर लाइफ विल बी वेरी गुड सो देर विल लेस क्राइम इन द सोसाइटी।
अगर हमें लॉ को कंट्रोल करना है तो हम कहाँ से कंट्रोल करेंगे? थ्रू द सोशियोलॉजी, थ्रू द सोसाइटी। अगर सोसाइटी के सारे लोग इथिकल सेंस के हो गए, सारे लोग ये सोचे कि भाई रोड है, हमें गंदा नहीं करना, कुछ रैपर्स फेंकना है तो हम कार में रखेंगे, डस्टबिन में डालेंगे, तो क्या होगा कि हमारा ट्रैफिक का सारे लोग रूल पालन करेंगे तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम आधे से अधिक सही होगी। तो मॉरल एजुकेशन इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन द मेंटेनिंग ऑफ लॉ इन द सोसाइटी। अगर इथिकल सेंस नहीं है, मॉरलिटी नहीं है, तो लॉ चलने दो, हू विल फॉलो द लॉ? अब हम मुगल लीला में आ जाए, बात करें तो सबको मालूम है कि मुगल एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय बाबर। बताइए, चार लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी। ही फॉट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, इब्राहिम लोधी के साथ उसकी लड़ाई हुई। दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग वॉर। लोग ऐसा बताते हैं कि बाबर के पास जो आर्मी की कैपेसिटी, दैट वॉज वेरी लेस, बहुत कम, वेरी लेस, और इब्राहिम लोधी के पास उसके कई गुना ज़्यादा सैनिक थे। स्टिल बाबर वॉज द बैटल, क्यों? क्योंकि बाबर फर्स्ट टाइम यूज द गन पावर, उसके पास तो बारूद ये उसने यूज किया। और लड़ाई के उस समय क्या होता था कि हाथी, घोड़े, ऊंट और ये सारे थे, जब उनके सामने बम के गोले फटने लगे तो जानवर पीछे भाग गए, एंड ही जस्ट वन द बैटल। और कंटिन्यूसली 27 द बैटल ऑफ घाघरा, 28 द बैटल ऑफ खानवा, इस तरह से सारी लड़ाइयाँ, और बैटल ऑफ चंदेरी, चार लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ही हैज़ गॉट पावर इन द एंड एस्टैब्लिश मुगल एम्पायर। अब मुगल एम्पायर में तो धीरे धीरे अकबर, बाबर के बाद में कौन हुआ? हुमायूं। हुमायूं वॉज हैविंग वेरी लेस लाइफ टू बी ए किंग ओवर देयर। उसको शेरशाह सूरी ने परेशान कर दिया। ही हैज़ फॉट द बैटल ऑफ चौसा एंड उसी बैटल और भी दूसरी लड़ाइयाँ लड़ी थी, लेकिन क्या हुआ कि हुमायूं वॉज बैडली डिफीटेड विद शेरशाह सूरी। अब जब शेरशाह सूरी वॉज द अफगान सरदार, उसने लॉ में क्या किया था? इम्प्रूव द लैंड रेवन्यू सिस्टम। उसने एक रूल बनाया कि भाई किसके पास कितनी जमीन है, उसकी मेजरमेंट कराई, एंड ही फिक्स द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ओवर देयर। ये सब लीगल सिस्टम का एक पार्ट है जो कि उस समय फॉर्मल नहीं है, बट अब आगे चलते डॉक्यूमेंटेड होते थे, बट उनका डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? शेरशाह सूरी गया तो उसका सारा सिस्टम। बाद में सर्जरी, ऑटो, ऑस्ट्रोफिजिक्स, केमिस्ट्री, इस एजुकेशन जो है ये विद्या में है, ये विद्या में है, ये विद्या मतलब विधि, जहाँ हम प्रोसेस सीख रहे हैं या वोकेशनल स्किल सीख रहे हैं। शिक्षा मीन्स लाइफ स्किल, राइट। विद्या मीन्स नॉलेज ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट, एक्सपर्टीज। ये सारी चीजें उसी के हिसाब से सारी चीजें आगे। तो लीगल एजुकेशन क्या होगा? डिफरेंट कोर्स ऑफ सिक्स। अब ये थोड़ा सा हम इसमें कंपेरिजन कर लेते हैं। ऊपर के स्लाइड में आप देखिए, एक देर होता है इंसेंट एजुकेशन सिस्टम, उसमें क्या उधर आस की शिक्षा हो रही है, इधर सारे लोग कर रहे हैं, नीचे हम जब आते हैं तो क्या है? टेक्नोलॉजी। अब क्या होगी, ऊपर का सारा एजुकेशन आउटडेटेड, नीचे का जो एजुकेशन है, तो ऊपर की एजुकेशन के साथ क्या क्या खत्म हो गया? वैल्यूज हमारे खत्म हो गए, मॉडल्स खत्म हो गया, जो नीति की बात करते हैं वो खत्म हो गया, और क्या आ गया? टेक्नोलॉजी। ह्यूमन टीचर एंड टेक्नोलॉजी, एक टीचर क्लास में पढ़ाता है तो उसका जो बेसिक टच दैट गिव्स मॉरल एजुकेशन, लेकिन जब हम सिस्टम में आके टेक्नोलॉजी से बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी हैज नो ह्यूमन सेंटर, उसके पास कुछ नहीं होता। उसको तो जो भी उसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्टेड है, जो क्वेश्चन डालोगे उसका आंसर उसमें। सो दिस टेक्नोलॉजी विल बी चेंजिंग ऑन द डेली बेसिस, लेकिन वहाँ जो ऊपर हम बात करते हैं उसमें देयर इज नो चेंज इन द नीति और इन वैल्यूज। अगर कोई चीज़ सही है तो सही, हम अगर पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करते हैं, दिस इज द यूनिवर्सल वैल्यू, ये पहले भी था, आज भी रहे और हमेशा। टेक्नोलॉजी में क्या है कि जो चीज़ें हैं, पहले फॉर्म यूज करते थे, टेस्ट करते थे, आप उन सारी चीज़ें हटाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो टेक्नोलॉजी द नेम ऑफ चेंजेस,
वो सारी चीज़ें इसमें ऊपर ये चीज़ देखो जो मस्त शस्त्र और दो चीज़ें शिक्षा दी जाती है दैट गिव द कॉन्फिडेंस। आज स्कूलों में हम ये कहते हैं ना कि वुमेन इम्पावरमेंट करो, अभी कितने रिसोर्स पर्सन थे वुमेन्स के बाद में वुमेन इम्पावरमेंट की जो बात करते हैं दे आर जस्ट फॉल्स। अब किस चीज़ में वुमेन को इम्पावर करें, रिसेंट टाइम में ये था शस्त्र शिक्षा में हाउ टू नो सेल्फ डिफेंस, आज ऐसे कहीं मिलता है इवन द कॉन्फिडेंस आवर चिल्ड्रंस आर लूजिंग डे बाय। जब कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो अपनी रक्षा कहाँ कहाँ से करोगे? सोशल इम्पावरमेंट फॉर वुमेन नो, इकोनॉमिक इम्पावरमेंट नो, ये हम काइंडली बात करते हैं वुमेन इम्पावरमेंट करते हैं। इनसे पहले सारी चीज़ें थी एजुकेशन, अब हम टेक्नोलॉजी बेस हो गए तो हम सब काम टेक्नोलॉजी में करते हैं। टेक्नोलॉजी मीन्स वी टीचर्स आर हैविंग विदाउट एनी सेंटिमेंट, विदाउट एनी रिस्पेक्ट, विदाउट एनी वैल्यूज, जो टेक्नोलॉजी के साथ यूज करेगा तो वैसे ही होगा। तो लीगल एजुकेशन सिस्टम तो बना, अब क्या होगा धीरे धीरे ये सारी चीज ऐसे होते हैं। नेक्स्ट डेवलपमेंट इन लीगल एजुकेशन इज फ्री इंडिया स्टूडेंट कंपनी में हम देखेंगे कैसे था द पोर्टल्स ऑफ अवर लॉ टीचिंग इंस्टीट्यूशन मैन मेन बाय पार्ट टाइम टीचर्स ओपन इवन वाइडर एंड हार्ड एक्सेसिबल टू एनी ग्रेजुएट ऑफ न्यूयॉर्क और एमबीए and in different merits there is a hardly a pretense and teaching this ethical is followed by law generation which the students manage to pass by planning short seminars published by enterprising publishers the result a plethora of LLB half that word। तो हमारे लॉ में पहले क्या था, इसी टाइम में 3 घंटे का एक पेपर ऐसे है ना सांचे में आज के बात आज जिन बच्चों को हम एलएलबी की डिग्री दिला के भेजते हैं आर दे एबल टू स्टैंड इन द कोर्ट? यस। कैसे? उनको रिटर्न स्टेटमेंट करने आते हैं या रजिस्ट्रेशन में करते हैं या कोर्ट में कैसे? सर इंटर्नशिप्स। प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो स्टूडेंट को थ्रू इंटर्नशिप मिलेगी। इंटर्नशिप इज अ वेरी नो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, यही तो हमारी दिक्कत एजुकेशन सिस्टम में है। लीगल सर पहले के टाइम में अभी आपने इस स्लाइड में बताया 6 ईयर्स आपने बीए एलएलबी, अब हमने 3 साल की एलएलबी कर ली है। 3 साल के एलएलबी के बाद स्टूडेंट जब एनरोल हो गया एडवोकेट बनके, मान लो उसने 1 साल भी अगर ढंग से काम सीख लिया, इफ ही इज विलिंग टू लर्न, तो वो सीख जाता है और उसके बाद केसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। मेरे खुद के इतने स्टूडेंट्स हैं अभी तक अच्छे अच्छे मतलब अचीव कर रहे हैं चीज, तो ऐसा नहीं है। सर दैट इज नॉर्मल केसेस, हम जो लॉ के बच्चों को पढ़ाते हैं we are not providing practical exposure to them। सर अब आ गया ना क्लिनिकल लीगल एजुकेशन, तो अब आ गया इंक्लूड कर दिया, इंटर्नशिप्स कंपलसरी हो गई, केस एनालिसिस, मूट कोर्ट कॉम्पिटिशंस, ये सब इंक्लूड करके तो बहुत सारी चीज़ें हमने मतलब वी हैव इनकॉर्पोरेटेड दीस थिंग्स, तो अब आ गई है प्रैक्टिकल नॉलेज। ऑब्वियसली उसको एंशिएंट उससे कंपेयर नहीं कर सकते, उस टाइम पे जो गुरुकुल सिस्टम में चीज़ें थी वो और अब वाली कंपेरेबल नहीं है। उस टाइम पे वो डिमांड थी जैसे शस्त्र विद्या देना और ये सब चीज़ें, उस टाइम स्पिरिचुअलिटी को बहुत इंपॉर्टेंस थी, अब वो चीज़ें नहीं है। अब हवन वगैरह ये सब भी स्कूल में हो रहे हैं और दैट टू सिर्फ डीएवी स्कूल्स करते हैं, उसके बाद वो चीज़ें बाकी स्कूल्स में नहीं फॉलो होती। और जो स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं उनमें बेसिक उनके उसमें सब्जेक्ट्स भी हैं मॉरल एजुकेशन, मैंने खुद डीएवी स्कूल से किया तो मैंने खुद पढ़ा। अभी एट प्रेजेंट वी हैव 26 एनएलयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 56 है, अभी लॉ में भी सारे इंस्टीट्यूट, बट स्टिल वी नीड मोर पोर्शन ऑफ द प्रैक्टिकल एक्सपोजर इन द लॉ, ताकि हम लॉ में और प्रैक्टिकल एक्सपोजर बच्चों को दें। ये दिस इज ए डिफरेंट बिटवीन मॉडर्न एजुकेशन।
क्वेश्चन है आज का स्टूडेंट ऐसे और पहले ऐसे सोसाइटी में वैसे भी चेंजेस आ गए ना, मॉडर्नाइजेशन आ गया, उसका भी कोई इफेक्ट नहीं है सर। आप भी तो टेक्नोलॉजी यूज करके पढ़ा रहे हैं ना, पहले के गुरु ऐसे थोड़ी पढ़ाते थे पीपीटी से, बट वो एक ह्यूमन पीस, एक ह्यूमन वैल्यू था वहाँ पर, ह्यूमन टच था, इमोशनल टच, इमोशनल टच था वहाँ पर, अब वो चीज़ें नहीं है। मैं यहाँ कोई भी क्लास में पढ़ाएंगे तो हमारे जो बच्चों के साथ अटैचमेंट वो नहीं आ रही सर। अब हर चीज़ कमर्शियल हो गई, पहले मोटिव पढ़ाना होता था, अब मोटिव क्या है, लेक्चर लेना, एक घंटे का टाइम है, मुझे मेरी सैलरी मिलनी। कल मैं सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट देख रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने सेड दैट 70,000 ओल्ड केसेस आर पेंडिंग, 70,000 वो कितने साल से पुराना, 30 साल से पुराने केसेस, इसलिए तो पड़े क्योंकि मोटिव चेंज, एवरीथिंग इज कमर्शियलाइज। यस, हमें वो केसेस का कोई नॉन प्रोसेस के साथ सीधे सीधे चल, सीधी बात है कि एजुकेशन में, आज के एजुकेशन में क्या है, हम आर्टिकल 21 जैसे पढ़े हैं अपने टीचर से वैसे ही हम अपने स्टूडेंट को दे रहे हैं, और हमारे स्टूडेंट एडवोकेट बन के वही चीज़ में बन रहे हैं। अब कुछ इंस्टीट्यूशन हमारे देश में 5-7 ऐसे हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, जहाँ पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स और दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनको ये पढ़ाया गया है, एंड एनी एडवोकेट, एनी एलएलबी कैन गेट अपॉइंटमेंट फॉर दैट। अगर आप क्वालिफाइड हो तो ऐसे नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूशन में भी काम कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको क्या चाहिए, ये सारे लॉ के नॉलेज चाहिए, ये टोटली, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारे रेगुलर कोर्स में है। गुजरात में, दिल्ली में भी है एक इंस्टीट्यूशन नेशनल इम्पोर्टेंस का, एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर हैविंग वन इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस, तो ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती है। मेरिटाइम लॉ क्या है, छोटा सा है, लॉज एंड इंटीमेंट दैट रिग्रेट डॉक्यूमेंट मार्टर नॉट सी पी एंडिंग लॉज, ये सारी चीज़ें हम इसमें सी और ऐसे कर पाते हैं, ये टोटली एक अलग है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अच्छा, आर्मी का भी अपना कोर्ट होता है, पता ही आपको, यस सर, कोर्ट मार्शल सुना होगा, मार्शल। अच्छा, वहाँ भी वी एडवोकेट कैन गेट द अपॉइंटमेंट डिग्री वगैरह सारे ठीक है, लेकिन अगर आपने आर्मी में लॉ में लॉ के फील्ड में गए निकाल यू विल हैव द बेसिक ट्रेनिंग फर्स्ट, आपको वेपन ड्रिल सारे कराई जाएगा, तो सर अंदर एडवोकेट बन रहे हैं, मेरे को बंदूक चला तो क्या फायदा, नो, यू विल हैव ऑल द ट्रेन बेसिक ट्रेनिंग, जहाँ मैंने पहले बताया एयरफोर्स में डिसिप्लिन एंड वेपन ड्रिल। सर आप वहाँ पे एज अ लॉ पर्सन, मतलब लॉ के बाद कर रहे हैं, मेरा एनसीसी सी सर्टिफिकेट था, तो मैंने तब लॉ के बाद लॉ का, चलिए मैंने मेरी फर्स्ट पीएचडी जो थी वो एजुकेशन में थी, मैंने मेरे से किया था, सर वैसे 23 ईयर्स एज ए डायरेक्टर प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी, मुझे लॉ में बड़ा इंटरेस्ट था पहले से, हमने एलएलएम कुछ तरह से किया, एलएलएम करने के बाद में मेरे दोस्तों ने एलएलबी कहाँ से किया था, कौन से हमने कर लिया था 2000 से पहले, तो पहले वो भी मतलब बहुत बाद में किए आप, ये हमने 2005 में किया, एलएलबी के बाद में हमने ऐसे चलो एलएलएम कर लिया, एलएलएम के बाद में मेरे जो दोस्त थे उन्होंने सब प्रैक्टिस शुरू कर दिया, मेरे का मेरा नाम पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करा के आ गया, मुझे बड़ी हंसी आती है, उन्होंने कहा चलो आज चाय पे चलते हैं, और कहा तो मैं छुट्टी भी लेके चलते रहूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी में लेकिन अगर यहाँ बोला यहाँ चाय का प्रॉब्लम आ गया, उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट जैसे अच्छे लगा यू जी सी का, एक इंटरेस्ट जैसे बिना पढ़े जाते हैं 50% मार्क्स मिल गए मेरे को सिलेक्शन मिल गया, मैंने कंप्लीटेड बी एस सी 2018 में, आपने कहा आप थोड़ा लॉ का फायदा लेना चाहिए, फिर मैं यूनिवर्सिटी वॉक इन टू यूनिवर्सिटी जिसमें लॉ की एजुकेशन से थोड़ा रिलेशन नहीं, लॉ में आते तो लॉ के साथ। अभी देखो अब इसमें ना तो कोई माइल स्कोर है ना सारी चीज़ें हैं, ना पुलिस वाले चेक करेंगे ना कुछ करेंगे,
इसके लिए क्या है मेरिट एंड मॉडल, इस जहाज में कौन सा सामान जाएगा उसको रिटर्न टैक्स लगेगा, कैसे क्या होगा, अगर इस पानी में जहाज डूब गया इसका इंश्योरेंस कैसे होगा। हम लोग म्यूनिसिपल इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, आप गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एक्ट पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैरिट एंड लॉ का एक्सपेंट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो कई यूनिवर्सिटी में अभी कोर्स भी शुरू हो गया और पढ़ने पढ़ाने लगे हैं, और बच्चे भी आजकल काफ़ी इसमें इंटरेस्ट लेना सीख रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो, दिस इज ऑल्सो वेरी यूनिक केस। एलजीबीटी कम्युनिटी एक नई डेवलपमेंट है, इसके पहले सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन ऑल द राइट्स टू ट्रांसजेंडर, ये ट्रांसजेंडर को भी बहुत सारे राइट्स मालूम मिले हैं। जो हम लोग ये जो सोसाइटी में नई ग्रुप आ रही है ड्रास्टिक चेंजमेंट, लास्ट में 60 बच्चे हैं, इसमें कौन लेस्बियन है कौन गे है पता लगाना मुझे, बट दे आर गेटिंग सेम एजुकेशन विद एवरीवन। और अब जो सेम सेक्स मैरिज के ऊपर बात चल रही है सबको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट भी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इज लिटिल बिट इंटरेस्टेड इन सेम सेक्स मैरिज। सुप्रीम कोर्ट के हाथ में कुछ भी नहीं है, अभी कुछ करेगा तो पार्लियामेंट क्या करेगा, ऑर्डिनेंस पास करके। बट अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सब गाइडलाइंस करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस लॉ के पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं इफ दे विल प्रोवाइड द गाइडलाइन फॉर दैट, देन गवर्नमेंट विल बी कंपेल्ड टू डू द गवर्नेंस। लेकिन जजेस भी कुछ नहीं करते। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन सबको मान, इसका जो चेयरमैन है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस, इतनी बड़ी पावरफुल बॉडी है। हैव यू सीन दैट एनीवेयर द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर स्टॉप। अभी मणिपुर में क्या मणिपुर में सर क्या मणिपुर की कहानी अलग है, ड्यूटी ऑफ NHRC इज टू गो देयर टू काउंसिल गवर्नमेंट टू सी क्या उन लोग मारे जा रहे हैं, सारी चीज़ें होती हैं, वायलेशन होती है। अभी अफगानिस्तान में ये सारी चीज़ें यूक्रेन और रशिया की हालत देखो, इंटरनेशनल बॉडी वी हैव, तो किसी को कुछ लेने से लेने देने से क्यों नहीं पड़ती। इसे सामने आते हैं इस कम्युनिटी में क्या रूल्स भी डिफाइन है, रूल्स और लेस्बियन ये सबके बारे में क्लास में हम पढ़ाते नहीं हैं। ठीक है, अगर यही भी सब्जेक्ट है तो भाई यू आर टीचिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यू हैव टू डिस्कस ऑल दिस। अगर आप ह्यूमन राइट्स पढ़ाएंगे तो पढ़ाने ही पढ़ाना, रिफ्यूजी लॉ पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, न्यू अमेंडमेंट ऑफ लॉ की बात करेंगे तो इसमें आएगा। अब ऐसे लोग अगर हिंदू फैमिली लॉ में अगर आगे बढ़े तो अगर मैरिज का प्रोसेस चेंज हो, इट इज पॉसिबल टू मूव ऑन दिस चेंज। ये तो कितनी बड़ी टर्निंग पॉइंट हमारे लॉ में, इसको सब लोग जानते होंगे। सोचो सर नाम बुला जिसको जाना चाहते हैं, तो अब ये देखो ये है अप्सरा रेडी सीजर ट्रांसजेंडर। अब हमारे सोसाइटी में ट्रांसजेंडर की इम्पोर्टेंट थी है पढ़ने लगे एंड पॉलिटिक्स में भी है, एजुकेशन के फील्ड में भी है, एंड दे आर ब्रिंगिंग ए ड्रास्टिक चेंज इन द सोसाइटी की इन दिस वे। इस कई लोग मेरे पास है, हमने जब सर्वे किया तो मुझे बहुत सारे लोग मिला और एक मैं इनको भी सब लोग जानते हो, अबॉर्शन के राइट्स के बारे में इसमें सबसे पहले ही बात हुई। तो ट्रांसजेंडर का रोल हमारे सोसाइटी में छत्तीसगढ़ का एक वर्कशॉप कराया था, उसमें हमने ऑनलाइन इसे
ये पहले का फोन है, ये बात देखो, वी आर नॉट डिस्कसिंग कि नहीं तो सर अकॉर्डिंग मतलब व्हाट इज योर टेक ऑन दिस दैट मतलब देयर शुड बी सेपरेट लॉज और दी एग्जिस्टिंग लॉ शुड बी अमेंडेड एंड देयर मैरिज शुड बी कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर एवरीवन. एक एक्ट अलग से अगर बना दिया जाए या आप बोलते हो कि सारी नॉलेज एक्ट्स में अमेंडमेंट्स, इसके लिए हम लोग यूनिवर्सल सिविल कोड तो बना ही है ना, तो उसमें बॉय गर्ल हटा दे. आई होप एवरीथिंग शुड बी पॉसिबल कंक्लूडिंग यूनिवर्सल. व्हाट इज योर व्यू? आई एम आस्किंग योर व्यू. क्योंकि इसमें इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एलजीबीटी, इट्स IQA प्लस और वो दैट इज. देखो सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी गिवन ऑल द राइट्स, ठीक है, इन लिविंग केस इट इज ऑलरेडी प्रूव कि व्हाट द ट्रांसजेंडर इज हैविंग राइट्स सेम राइट आर यस सर टू देवर इक्वल टू अस. अब रिजल्ट से भी आ गया. हां जैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि फॉर बैकवर्ड वी आर हैविंग सम प्रिविलेजेस टू देम, समाज में इनको भी थोड़ा सा कुछ देनी चाहिए. ट्रांसजेंडर इज ओनली द फिजिकल बायोलॉजिकल डिसऑर्डर इन द बॉडी. सिर्फ आप सिर्फ टी एलजीबीटी आईक्यूए प्लस में से सिर्फ टी की बात करो आप, ट्रांसजेंडर बाकी सबका क्या? मैम ये ठीक है, You can know if a person is transgender by birth, but you can't know if they're asexual, bisexual, intersexual. That's what I'm asserting. Topic for the debate. You're being a transgender is a person's sex, but that is their gender identity, so you can't compare the two. Male, female, transgender is the sex, is but everything else is your gender identity. But what about the others? Laws should be the same for that. Causes अलग अलग हो सकते हैं. Causes देखिए इसको कैसे कैसे कर सकते हो, that is both. But separate laws are not required for that. हम फिर एक ही कंस्टिट्यूशन पर जैसे आज हम कर रहे हैं लॉ मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ, कि क्या दीज आर द रूट कॉज ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें तो वो नहीं होना चाहिए. दिस शुड ऑल्सो भी इंक्लूडेड. हम कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो करते ही हैं, लेट अस हैव अमेंडमेंट एंड इंक्लोज दिस टाइप्स ऑफ रूट कॉज. बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, दैट इज ये सब अपने हाथ में है. ओनली पार्लियामेंट कैन डू दिस. So I had personally talked to her. हम जब ऑनलाइन कर रहे थे ये सारी चीज़ें कोरोना के टाइम, तो सी स्पीक्स इन बंगाली और उस पूरे फोर्स में बंगला में लिखा जाता था, कुछ नहीं आता. आई जस्ट लिसन हर क्वेश्चन एंड ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश. तो इसमें जो अपनी कहानी बताई कि हाउ फर्स्ट टाइम सी फील दैट सी इज अ ट्रांसजेंडर and when he informed his parents and mother what effect the family has got, it was very conscious they over sign change kuch nahi. Aur phir jab college mein se bhai ki sari se ki unhone sab ko se pucha ki how your staff is treating with you, aur ye to sawal tha badi simple sa hai. So isne bataya ki abhi bhi jo mentality samaj ki hai na wo achhi nahi hai, they are not considered as sanji. अभी भी देखते हैं कि भाई ये लोग ट्रांसजेंडर हैं, ये सोसाइटी के लायक नहीं है, इनसे बात नहीं करें. तो देखो हमारा संविधान बात करता है इक्वलिटी की, अब हम इसको कह के देखो नहीं नहीं कह सकते, जैसे हम वैसे ही रहें. सो देयर थिंकिंग इज वेरी डिफरेंट. हम लोग जिस एज में आ गए आवर थिंकिंग इज वेरी डिफरेंट. ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा कि हाउ सेम सेक्स मैरिज पर्सन विल कम इन द सोसाइटी. How will you see in the improves of relationship? Sir, why can't they, their marriage be solemnized if the Supreme Court gives their blessings on this? That Special Marriage Act में ही आ जाए, why do we have to amend the personal laws? Even if I am a religious person, if I want to marry some, even if a person is of my own religion or someone else's. Sonia Madam can reply to this question. I think the implications of other domestic laws like the Protection of Women from Domestic Violence Act, their maintenance, all of these
laws. Religious based laws. Those are not canonical. They're all civil laws. Yeah, the general civil. They're secular. So why do we need to like the very question of sort when they ask you? क्यों हम नहीं सॉलनाइज कर रहे हैं इंडिया में व्हेन दे वी हैव गिवन देम द रिकॉग्निशन स्पेशल मैरिज एक्ट इज ऑलवेज आवर हिंदू लॉज और मुस्लिम लॉज जो भी है आवर सोर्सेज आइदर फॉर द एंशिएंट धर्म और पुरा राइट सो देयर इज द कंसेप्ट ऑफ फैमिली इन दिस इंटायर स्ट्रक्चर अगर हम ट्रांसजेंडर के या सेम सेक्स मैरिज को अप्रूवल देते हैं चलो देना चाहिए दैट इज ऑन द बेसिक ऑफ बेसिस ऑफ द इक्वलिटी और यू नो फ्रीडम बट व्हाट इज द कंसर्न ऑफ द सोसाइटी सोसाइटी तो खत्म हो जाएगी सोसाइटी तो रहेगी नहीं ना अडॉप्शन सर बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द यूरोपियन एंड अमेरिकन पीपल के कम टू इंडिया फॉर अडॉप्शन उनका कल्चर वेरी डिफरेंट आई थिंक कल्चर इज वेरी डिफरेंट अभी मैंने सिंपल बताया कि दे आर हैविंग कन्वेंट इज साइकोलॉजी क्या है वाइफ हस्बैंड इज फ्री टू डिसाइड देयर टाइम बच्चे हो गए उनको कहीं अलग छोड़ इवन जैसे हम लोग फादर्स डे मदर्स डे बात करते हैं उनका सिस्टम होता है कि चिल्ड्रंस आर टेकिंग प्रायर अपॉइंटमेंट टू मीट विद द फादर वो एक बार आके कुछ दिन उसी दिन सेलिब्रेट करना उनका कल्चर अलग है हमारा कल्चर एकदम अलग है हमें सर रोज आप पट्टी आज हम डाइवोर्स की बात करते हैं ठीक है अब हम लोग अपनी एज में अगर बात करें इस बारे में सोच नहीं सकते कि पेरेंट्स इतने जूते मारेंगे कि वी कांट थिंक ओवर इट देखो दिस इज द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी की बात है अगर हम आगे सेम सेक्स मैरिज की बात करते हैं तो सोसाइटी में भी तो सब फिर हम अमेरिकन लोगों के अंदर समझ जाएंगे किसी का कोई फैमिली नहीं होगी कुछ नहीं होगा देयर बी नो पीस कल्चर कहाँ जाएगा हाँ ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीडम दे शुड बी गिवन दिस राइट ठीक है वो आगे आने वाले टाइम में हाउ पार्लियामेंट मेक्स लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट वोट कैसे इसको फ्रीडम में लेता क्योंकि सब चीज़ तो है ही हमारे पास लिविंग रिलेशनशिप भी है ऑलरेडी मैरिज करने की जरूरत ही नहीं है ना सारी चीज़ें अच्छा मैरिज के बाद में एक सप्ताह के अंदर डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में आने के वो भी सिस्टम है अच्छा अब प्रेगनेंसी अबॉर्शन का भी आ गया तो वो भी आपके सामने अच्छा उसमें साक्ष्य मैम अब एक और भी जवाब है इन्होंने इसके ऊपर एक मैगजीन में पढ़ रहा था क्वेश्चन हमने कि व्हाट विल हैपन इन द सोसाइटी तो भाई हम आर्टिफिशियल चाइल्ड तो कर ही रहे हैं सरोगेसी का सिस्टम तो है ना हमारे पास अभी देखो ज़्यादातर फ्री मैरिटल सेक्टर्स क्या कर रहे हैं दे आर गेटिंग चिल्ड्रन दे आर नो नीड ऑफ मैरिज हो सकता है आने वाले टाइम में अच्छा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो हो सकता है रोबोटिक साइंस में सारे रोबोट काम करना शुरू करें ह्यूमन बीइंग रिप्लेस करना तो नोबडी नोस कि हाउ दिस कंट्रोल लाइफ विल चेंज इन द लीगल एज बच्चा डॉक्टर नहीं लगा रोबोट ले सारी चीज अब एक रोबोट एक ऑपरेशन साक्षी एक रोबोट किसी का ऑपरेशन कर सकता है सक्सेसफुली क्या नहीं कर सकता आगे आने वाले समय में साइंस हो सकता है ऐसा हो जाए क्योंकि आर्टिफिशियल फैमिली क्रिएट कर दे ये मदर ये फादर है चाइल्ड है सब लोग एक साथ रहना बस तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है आने वाले टाइम में कहना बड़ा मुश्किल है कि आने वाले टाइम में क्या होगा और कैसे बट रूल्स इस परंपरा खत्म हो जाएगी अच्छी बात की मूवी थी हाँ वो रोबोट वाला था आर्मी में और भी सर अच्छा ये भी है मैम अगर एक रोबोट डॉक्टर ने किसी की जान ले ली कौन सा प्रोफेशन कहाँ जाओगे मान लो आपने रोबोट घर में रखा चाय पीने के लिए उन्होंने चाय की कैंटी आपके सर में मार दी कौन लाएगा फुल लेवल फॉर दैट इसलिए तो मैं अगेंस्ट हूँ इसलिए ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा कर रहा ना कि दे विल चेंज आप नहीं भी बदलो तो समाज को बदल देगा अभी जो एलजीबीटी ग्रुप और ये सब चीजें हो रही है हु वांट्स फॉर दैट नोबडी वांट्स बट दे आर मेकिंग चेंज इन द सोसाइटी अब सब लोग जब रोबोट खरीदेंगे आपका पड़ोसी ने रोबोट खरीद लिया आप बोलोगे इट इज मैटर ऑफ प्रेस्टीज मैं मुझे भी चाहिए मुझे भी एक रोबोट चाहिए ये भी रियलिटी है आजकल की रियलिटी है रजनीकांत की उस रोबोट के मूवी में उसने वो सारे सेंटीमेंट डाल दिए कि उसके अंदर लव क्रिएट करने की पावर भी आ गई रोबोट इज ऑलमोस्ट सेम एज द ह्यूमन बीइंग ये हम लॉ में कैसे जस्टिफाई करेंगे
वेयर फ्रॉम लॉ, लॉ में हम कैसे करेंगे इसको, किसको लायबल बनाएंगे अगर कोई भी, तो फिर जज कैसे करेगा, प्रोविजन क्या है और पनिशमेंट क्या होगी, पनिशमेंट क्या होगा। दूसरी बात की हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता ही नहीं है व्हाट इज द राइट और व्हाट इज द रॉन्ग, तो उसमें हम कैसे सारी चीज़ों को डालेंगे। जितनी प्रोग्रामिंग आर्टिफिशियल उसकी करी जाएगी रोबोट को या जो भी, तो उतना ही तो वो मतलब आउटपुट रहेगा उसका, आउटपुट रहेगा, हो सकता है धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट होता जाए, सारा चलता है कुछ भी कहा करना मुश्किल, आगे आने वाले टाइम में क्या सिचुएशन होगा, लेकिन ये रहेगा लीगल एजुकेशन का पार्ट है। वो तो इन वे अगर हम देखें तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू लॉ, उसमें भी हम लोग आएंगे। यहाँ आर्मी कोर्ट क्या है, एक कोर्ट मार्शल है टाइप ऑफ मिलिट्री कोर्ट, और मिलिट्री में बहुत सारे रूल्स हैं, ये हम एडवोकेट एलएलबी की डिग्री में समय नहीं पढ़ा और नहीं बताया जा सकता। एक कोई सोल्जर है कॉन्वेंट हो गया, अजय आर्मी सोल्जर, बिना बताए भाग गया, नाउ इज डिक्लेयर्ड फ्यूजिटिव, नाउ प्रोसीडिंग अगेंस्ट ड्यू मिनिस्टर, वो कहाँ होगा, कोई सोल्जर जो है अपने कमांडर की बात को रिफ्यूज करके उस पर केस चलेगा, किसी ने वेपन चुरा लिया, किसी ने अपनी सीक्रेट दूसरे को बता दी, दूसरे देश को बता दी, यहाँ से इस आर्मी को पूछे, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कोर्ट इज डिफरेंट, थोड़ा सा मैंने सिखाया। अब इसमें ये जितने लोग होते हैं एल एल बी इज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर दैट, लेकिन हाँ इसके बाद इनकी अपने आर्मी का जो बुक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रोसेस है, दे यूज टू लर्न सेपरेटली एंड देन एस्टैब्लिश देयर ओन कोड। अच्छा, अब इनका कोई अपील नहीं है, आर्मी का जो डिसीजन है जब, हाँ अगर मान लो किसी का कन्वेक्शन हो गया, किसी का सीनियरिटी का, ये डिपार्टमेंट कोर्ट में आया, उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सर्विस एक्ट है उसके तहत आ सकता है, बट मोस्ट ऑफ द रूल्स अभी लीगल एजुकेशन में सबसे अनटस्ट पार्ट, हम लोग कभी नहीं क्लास में बताते हैं ना, कभी बच्चों को बता होगा लीगल एजुकेशन में ये जो कंट्रोल है वो आर्मी में। अच्छा, अब ये और डेंजरस हो गया क्योंकि फीमेल इंटीजर ऑल्सो है, सवाल है कि अब दे आर अमेंडिंग देयर रूल्स, जैसे ये फीमेल के लिए ओपन हो गया हर जगह कोर्स में, ये सब में भी देखो आप बॉर्डर पर सारी आपको फीमेल सोल्जर्स वहाँ मिले, सब जगह मिलेंगे, फैंट्री में नहीं जा रही है, एनडीए कैडेट्स की अगर आप बात करें, दे आर नॉट बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन द इन्फैंट्री पार्ट, दे आर नॉट गोइंग देयर, इनको और भी है, इनके लिए और भी है, दे विल फाइट ऑन ओनली ऑन द एल ओ सी, और इसके बाद नहीं, हमारा बॉर्डर में क्या होता है जब भी कोई लड़ाई होती है बीएसएफ के बाद में सीआईएसएफ, ये सारी चीज़ें जब लड़ाई शुरू होती है तो फिर आर्मी सबसे आगे मूव होता है, तो अभी दे आर मेकिंग रूल फॉर फीमेल सोल्जर्स, वो कैसे करेंगे, उनमें क्या प्रमोशन होगा, एयरफोर्स में क्या होगा, सारी चीज़ें क्या होंगी, सो दिस इज द वेरी अनटस्ट पार्ट ऑफ द लीगल एजुकेशन, ये सारे भी हमें कहीं ना कहीं कोर्स चेंज होगा तो इंडियन आए, ये सारी चीज़ें क्या नहीं होंगी, दीज आर द सिंपल प्रोसेस ऑफ द कोर्ट मार्शल। अच्छा, इसमें एक तरीका और है, जैसे हम लोग कोर्ट में जैसे करता था हाथ हिलाते जुला कैसा कुछ नहीं है, हाँ कोर्ट में अटेंशन के कंडीशन में खड़े होकर आपको साइन करना, तो आर्मी वाला डेकोरमेंट, आर्मी का डेकोरमेंट, जैसे हम लोग अभी क्लास में बैठे हैं ना, इधर झुका कर इधर झुका, हाँ मेरी क्लास के जो स्टूडेंट थे अगर पोस्ट के भाई टेंशन में बैठ, टेंशन में बैठने के बाद चेयर पर सीधे बैठना, चाय को टच नहीं करना, दोनों हाथ को अपने रखना, इस से हमने अपने स्टूडेंट से पूछा, अच्छा थोड़ा आराम से बैठना, तो एक दिन इनको क्लास में लगना नहीं करना, सोल्जर्स विल ऑलवेज बी इन डिसिप्लिन, थोड़ा सा अगर आपने डिसिप्लिन कर दिया, रिलैक्स कर दिया, तो फिर सुस्ती उनके शरीर में आएगी, एंटायर एम ऑफ द यू नो आर्मी, उनका डिकोरम अलग है, वो सारी चीज़ें अलग है, और दिस ऑल्सो वेरी गुड फील्ड फॉर लॉयर्स।
इसको सब लोग जानते होंगे, इसका दूसरा फिगर किसको जानते हैं? ये तब की बात है जब जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, एंड ही वाज द मेजर ऑफ द आर्मी एंड ही वाज स्पेशली पोस्टेड इन जम्मू एरिया टू कंट्रोल। जब इसने देखा कि इतने सारे पत्थर मारे थे, एक उग्रवादी को पकड़ा और उसको जीप में बांध दिया, उसको जीप में बांध दिया और अब मार पत्थर, फिर पत्थरबाजी रोक दी। लेकिन आर्मी को फाउंड मेजर करो जो हुई फिर सिक्योरिटी फाउंड किया सर, इसलिए कि उसको सामने कर दिया भाई आर्मी का ऐसा रूल नहीं है कि आप किसी को ऐसे मरने के लिए सामने छोड़ दें। ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन है, आर्मी का काम है किसी के जान को बचाना, ना कि उसको सामने फ्रंट पर करना। हालांकि देखो उसकी जान की बात, देखो वो भी इसका जो काम था उस सिचुएशन के हिसाब से बड़ा सही था, क्योंकि जब पत्थरबाजी आर्मी के ऊपर कर लो लोकल लोग काम, पब्लिक सोचिए ना कि सही काम था, बट अगर हम लॉ के अकॉर्डिंग जाएं तो आज हमारे एग्जांपल ऑफ कॉमन सेंस, देखो हमारे लॉ में क्या झगड़ा है, पार्लियामेंट का कोर्ट के साथ झगड़ा, यही तो झगड़ा है ना, ये तो झगड़ा हमेशा ही रहता है। इसका काम बहुत अच्छा था, पत्थरबाजी तो रुक गई, बट ही वाज यू नो फाउंड गिल्टी इन दिस केस। तो अगर आप अपनी बाउंड्री से आगे जाके काम करते हो तो बेहतर होता है। देखो राजस्थान इज नंबर वन इन चाइल्ड मैरिज, तो ये इशू भी आपके सब्जेक्ट में है। आज अगर ताज़ा ताज़ा अगर हम बात करें, राजस्थान इज ए स्टेट वेयर शायद 25% गर्ल्स आर हैविंग विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड मैरिज। मैं यूजीसी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो मैंने बीकानेर के 2-3 गांव को देख लिया, तो मैं चाइल्ड मैरिज से ही तो वहाँ के बच्चों से भी हम लोगों ने, हमारी टीम 5-7 बच्चे थे, मैंने उनसे बातचीत की, तो वहाँ की जो गर्ल्स थी वो कह रही थी कि किसी तरह से हमें 12 पास करके बहुत, 10th पास करके बहुत, ऐसे हमारे पेरेंट्स ये सोचते हैं पढ़ा के मैनेज करते हैं हमारी ड्यूटी। अब बताओ वहाँ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये जो हम मैरिजेबल एज इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं क्यों? बिकॉज दे आर दिन। आप मुझे बताओ गवर्नमेंट ये जो रूल बना रही है कि मैरिजेबल एज बढ़ा दो घटा दो, बट इज द इफेक्ट ऑफ आप पास भाई आधे से अधिक लोग तो लव अफेयर्स करके मैनेज करते हैं, कुछ लोग मैनेज करते हैं अपने हिसाब से कैरियर सेटिंग के बारे में, कुछ लोग करते ही नहीं है, देन व्हाई दिस बकवास रूल इज देयर? इसकी कोई जरूरत कहीं दिख रही है? अगर दिख रही है तो कितने दिख रही है इनके लिए चाहे यहाँ पे तब भी इंटरनेट नहीं होगा, और यहाँ इंप्लीमेंट इसलिए नहीं हुआ कि दिस पीपल्स आर हैविंग नो नॉलेज ऑफ द नॉलेज, इनका अपना कस्टम है अपने कस्टम। राजस्थान में एक ऐसा जगह है जहाँ दहेज में सांप देखते हैं, जो जहरीला वाले एक्टिज्म है NHRC के आर्टिकल 19 जिसमें कहा गया है कि NHRC विल नॉट इंटरफेयर इन मिलिट्री इन पैरामिलिट्री एक्टिविटीज। NHRC गया है अब मारो काटो सब ह्यूमन राइट्स गया है, इज ऑल्सो ए बिग इशू ऑफ द लीगल एजुकेशन। कश्मीर में देखा होगा आपने, अगर उग्रवादी उसमें छुपा है तो चाहे सिविलियन है तो उसको वहीं से उड़ा दिया, सिविलियन भी गए और
इसलिए नहीं आते कि हम सरेंडर कर देंगे, उनको मालूम है कि हम बाहर जा रहे हैं तो मरेंगे. We are not going to come out from and the house. And these days, like my brother is, so they are now recording the entire process. Taki in case they question it in the court, at least that can be produced before the evidence. And when army will open fire, their fire cannot be regulated. That will not go to the civilian. हाँ हाँ उस time पे you can't be calculated. एक घर के अंदर अगर मान लो terrorist घुस गए तो उसके घर के लोग तो हैं ना वहाँ. वो नहीं निकलेंगे तो क्या होगा? आर्मी में जस्ट अटैक इन सारे लोग. एंड दिस इज अ बिग क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन राइट्स. इट्स आल्सो कम्स अप विद क्योंकि वो इनोसेंट आदमी क्यों आर्मी क्यों मारेगा उसको? उसकी क्या गलती है? ए आर्मी इज टोटली फेल टू कंट्रोल द टेररिस्ट. और ऊपर से आप उस घर के आदमी को भी मार डालो, ये काम कर रहा है. दिस इज ऑल्सो चेंजिंग कंट्रोल डायनामिक. ये हम कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह की बात नहीं कर रहे, तो बाहर की बात है. अभी हमारे लाइफ में अभी कल के न्यूज़ में आप लोगों ने कल का न्यूज़ देखा होगा, तो कोई राजधानी एक्सप्रेस में एक एसआई ने अपने इंस्पेक्टर को गोली मार दिया और दो सिविलियन को भी मार दिया उसके साथ. पर ठीक है, पुलिस वाले का झगड़ा तो समझ में आता, उसने उसका ट्रांसफर करा दिया तीन चार जगह, उसने कहा चल तेरे को गोली मार, हो गया काम खत्म. और दो तीन सिविलियन थे, उन्होंने क्या अपना किया? अच्छा वो मर गया, उसकी सजा किस पे डालें? वो दोनों तो मरी गए, किस पे डालें? तो दिस क्वेश्चन आई हैव नो रिप्लाई टू द अपीलर्स. कोई जवाब नहीं इसके बारे में. तो सारे लोग इतने लोग इसमें मारे गए. अब यहाँ देखो द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन राइट इज the failure of armies also, the involvement of leaders in this activity is also involvement. तो रात हो गया जैसे incident ना हो उसकी कोई guarantee है? इसमें तो सब media का भी तो होता है. ये भी सारा था. ऐसी घटना नहीं हुआ, ऐसा कुछ law ने कुछ किया? It can be happen, same incident can be happen anywhere. This is also the new control line of the airport. अगर हम लोग इस होटल में रहे होते तो हमें पता चलता कि लॉ सिस्टम कैसा होना चाहिए. हम लोग तो दूर दूर बैठ के देख रहे थे ना, तो कोला भी चल रहा है. एक बार फरीदा और के फ्रेंड लोगों का बेटा इसमें एंड ही वाज डूइंग इंटर्नशिप ऑफ मैनेजमेंट इन दिस होटल. अब उसके पेरेंट्स ने क्या किया कि जब वो टीवी पे देखा अपने बेटे को फोन करते आंटी बजते ही पुलिस में हो गया. तो दिस आज होटल इंसिडेंट इज रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ वेरियस पीपल एंड दिस इज अ वार्निंग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ लॉ. कोई इसके ऊपर बात नहीं करता क्योंकि ऐसी घटना ना हो, इसलिए लीगल एजुकेशन में क्या प्रॉस्पेक्ट्स है? नथिंग. और कभी भी ऐसी घटनाएं घट सकती. अब यूनिफॉर्म सिविल कोड सबको मालूम है कि इस पर कितनी लड़ाई हो रही है. गोवा वॉज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश इट. लेकिन गोवा की जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है दैट इज एस्टैब्लिश बाय पुर्तगीज. उनका एक सिस्टम अलग है, वही सिस्टम अलग है. उत्तराखंड में वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं बोलते रहते हैं कि वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इट. ग्राफ वगैरह कभी नहीं लिखा कि क्या बोलना है. प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऑल्सो अनाउंस की हम लोग ये करेंगे, हो सकता है कर दें यूनिफॉर्म सिविल कोड. लेकिन अगर ये जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा फिर क्या होगा कि सब पर्सनल नॉट है, अपने आप खत्म हो जाएगा. एवरीबॉडी इज गार्डेड, वन कंट्री वन लॉ, सीधे फॉर्म इसी खत्म हो जाएगी सारी चीज़ें. ये मैंटेनेंस हो रहा है, हिंदू मुस्लिम में जो झगड़ा की उसको मैंटेनेंस नहीं मांग सकती है. डाइवोर्स का प्रॉब्लम सब फ्री थिंग में सॉल्व. और हो सकता है इसमें सेम सेक्स मैरिज और एलिजिबिलिटी उनके सामने हो सकता है.